केमिकल कहाँ से आया, केमिकल कहाँ से आया? तो जिस रिवर फ्रंट की आप बात करें, ये रिपोर्ट हमारा नहीं है आज तो, ये रिपोर्ट गुजरात पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड, गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का ही खुद का है, तो कम से कम वो अपने रिपोर्ट को माने। साबरमती नदी की चकासनी करवामां आवी, पानीनो सैम्पल लईने तेनी चकासनी करवामां आवी अने जे रिपोर्ट सामे आव्यो खूब ज चौंकावनारो छे। साबरमती नदीनुं पाणी अति गंभीर अने खतरनाक लेवले प्रदूषित थई चूक्युं छे। एमां डिझोल ऑक्सिजन जे 4.66 मिलीग्राम पर लीटर ની જે માત્રા છે બહુ જ ઓછી કહેવાય અને ભયાનક કહેવાય, એટલે એની ઉપર લોકોનું ધ્યાન જવું જોઈએ। કારણ કે આ જે હેલ્થ બગડી રહ્યું છે, લોકોને મરી રહ્યા છે લોકો, અને પછી તમે હેલ્થ પોલિસી જાહેર કરો 5 લાખની ને 10 લાખની, લોકો તાળીઓ પાડે પણ તમે મારી રહ્યા છો। એ લાઈક ગુજરાત પોલ્યુશન કંટ્રોલ બોર્ડ તો ગુજરાત પોપ્યુલેશન કંટ્રોલ બોર્ડ કહેના છે, મતલબ એટલે એની સીધી અસર ખેતી પર તો થાય જ છે। એના દ્વારા જમીનમાં પણ ઝેર ઉતરી રહ્યું છે, એમાં જ અનાજ અને શાકભાજી ને બીજું જે કંઈ પણ ફળ વગેરે જે કંઈ પણ ખેતીમાં કરતા હોય એ ઉગે છે, એટલે ખોરાકમાં જમીનમાં પાણીમાં ને એ થકી આપણા બધાના શરીરોમાં જઈ રહ્યું છે। ડિઝોલ્વડ ઓક્સિજન બિલકુલ નહીં હૈ, યે સિર્ફ 120 કિલોમીટર સ્ટ્રીમ મે, 120 કિલોમીટર સ્ટ્રીમ મે ડાઉનસ્ટ્રીમ મે, અપસ્ટ્રીમ મે યુઝ નહીં, અપસ્ટ્રીમ મે રિવર ફ્રન્ટ મે ભી 4.66 હૈ। 5 के नीचे होना इट बेसिकली इंडिकेशन कि परिस्थिति बहुत बुरी है। तो रिवर फ्रंट में भी हालत बुरी है, और रिवर फ्रंट में 98 COD होने का मतलब क्या होता है, मतलब रिवर के पानी में COD होना ही नहीं चाहिए। और अभी हम साफ कह रहे हैं कि इसकी कार्यवाही सिर्फ उद्योगों के खिलाफ नहीं, चीफ सेक्रेटरी ऑफ द गुजरात स्टेट, एनवायरमेंट सेक्रेटरी ऑफ द गुजरात स्टेट, चेयरमैन ऑफ GPCB एंड कलेक्टर ऑफ पर्टिकुलर सिटी, ये चारों लोगों की जिम्मेवारी है। इनके खिलाफ फौजदारी केस भी होने चाहिए और इनके खिलाफ कंटेम्प्ट होनी चाहिए सीधी। और अभी कानून छोड़ दो, ये सीधा सुप्रीम कोर्ट का 3 जज का ऑर्डर है, और NGT इसका अमलीकरण की प्रक्रिया दिल्ली में बैठ के कर रही है। NGT में मैटर अभी चालू है, तो ये सीधा कंटेम्प्ट की बात है, और ये तो उनका खुद का रिपोर्ट कह रहे हैं कंटेम्प्ट हो रही है।